फिरोजाबाद के मक्खनपुर में लोकतंत्र के संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मंगलवार को मक्खनपुर में बिल्टीगढ़ चौराहे के पास नगला तुर्किया में एक कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहब का 66वां परिनिर्वाण दिवस मनाकर लोगों ने उनके कदमों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बाबा साहब के जीवन दर्शन मिशन के बारे में लोकतंत्र के चिंतन के बारे में बताया, क्योंकि ये देश लोकतंत्र संविधान से चल रहा है, क्योंकि संविधान और लोकतंत्र आज की प्रमुख विषय है। वह नारी समाज के उत्थान के लिए जो विशेषताएं एक समाज के लिए नहीं है, वो हर समाज की नारी के लिए है। इस अवसर पर गीता बौद्ध डॉक्टर शिव कुमार शाक्य, महेंद्र बौद्ध, हरि बाबू बौद्ध, डोरी लाल, डॉक्टर प्रवीण कुशवाहा, ज्ञान सिंह बौद्ध, विनोद कुमार, डॉक्टर एस के अरुण मक्खनपुर आदि लोग मौजूद रहे। आज का ये कार्यक्रम जो है संवैधानिक लोकतंत्र के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर है। इसका उद्देश्य है लोगों को उनके जीवन दर्शन और मिशन से परिचित कराना। इसका खास मकसद है लोगों को बाबा साहब के मिशन के बारे में जानकारी हो, उनके लोकतंत्र की जो चिंतन धारा है उसके बारे में लोगों को जानकारी हो, क्योंकि ये देश लोकतंत्र से चल रहा है, संविधान से चल रहा है, इसलिए संविधान और लोकतंत्र दोनों ही हमारे आज के विषय में हैं। लोग इसी पर अपनी चर्चा कर रहे हैं और एक सब्जेक्ट और है इसमें कि नारी समाज के उद्धार के लिए, उनके सम्मान के लिए तो हिंदू कोड बिल की व्यवस्था है, वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दी हुई है। जो व्यवस्था पूरे भारत में सभी महिलाओं के लिए है, वो सिर्फ दलित समाज के लिए नहीं है, संपूर्ण नारी समाज के उद्धार के लिए और उसके सम्मान के लिए व्यवस्था है हिंदू कोड बिल। आज हिंदू कोड बिल के माध्यम से 17 एक्ट देश में चल रहे हैं। इन 17 एक्टों के माध्यम से भी नारी की सुरक्षा हो रही है, लेकिन दुख इस बात का है कि आज भी नारी पर जो अन्याय अत्याचार होते हैं उसमें कमी नहीं हो रही। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।